अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद मनचलों का आतंक कायम है। लंबी महंगी गाड़ियों अथवा बाइक सवार इन मनचलों ने युवतियों को सड़क पर चलना दूभर कर दिया है। जिला पुलिस भले ही मनचलों पर लगाम न लगा पाई हो, लेकिन आज एक बालिका ने वह कर दिखाया जो पुलिस को करना चाहिए। सदर इलाके में बालिका ने मनचले को पकड़कर धुन दिया। वह बालिका से फोन नंबर मांग रहा था। मौके पर जवान भीड़ ने भी बालिका का पूरा साथ दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस से बालिका ने डंडा लेकर मनचले को सबक सिखाया। गंभीर बात यह भी है कि इन दिनों मनचलों के आतंक के चलते युवतियों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। बाइक सवार युवक इन युवतियों का घर तक पीछा करने से बाज नहीं आते। कुछ लंबी महंगी गाड़ियां भी एक बार फिर से लड़कियों के स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही हैं। आज सुबह यह घटना सदर थाना क्षेत्र के इलाके जॉली शॉपिंग सेंटर के निकट हुई। उस वक्त सुबह होने के कारण मार्केट बंद था। आइए पहले देखते हैं वायरल वीडियो। मार 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 बेटा तू मार बेटा इधर कितने दिनों का उस लड़की को भी छेड़ता है ये अंकल लड़की को भी छेड़ता है ये लगा बहन बता रहा साले डॉली डॉली चले मुझे नहीं पता जी मैं बेटा जूता मार जूता निकाल के इनके अपनी माँ बहन को किसकी माँ नहीं किसकी बहन है नंबर मांग रहा साले आराम जादे ये पड़ा सेट बहन को नंबर मांगा चाहता है इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए ये जानकारी में आया आपकी वीडियो देखने के बाद में कि एक बालिका है उसको कोई युवक परेशान करता था जैसा कि प्रथम दृष्टया जो बताया गया है और जब उसने उसको मार्केट में देखा है तो उसके साथ में जो है बातचीत हुई है और तुरंत ही हमारी पुलिस वहाँ मौके पहुँच के इस व्यक्ति को थाने ले गई है। हम जल्दी से जल्दी इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करेंगे, तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत करेंगे। हमारी प्राथमिकता है ऐसे तत्वों को का दमन करना हमारी प्राथमिकता है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।